हाँ हेलो फ्रेंड, विजयधारी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो देखिए मैं कहाँ आ गई हूँ, शायद आपको पता चल गया होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन आगे बने रहे मेरे साथ। क्या छे नहीं है अंदर? क्या छे बाथरूम में से? हाँ ये भागी जैसे। फ्रेंड देखते ही आपको पता चल गया होगा, जी हाँ मैं आई हूँ आंटी अंकल के घर उनसे मिलने के लिए, और ये आ गई है आंटी जी। मैं आते ही पहला इनको ही ढूंढती हूँ कहाँ है। ज्यादातर तो ये किचन में ही होती है, इनको खाना बनाना बहुत अच्छा है, दूसरों को खिलाना भी बहुत अच्छा लगता है। तो वो मुझ पे भड़क रही थी कि बहुत दिनों के बाद आई है ऐसे वैसे। फिर थोड़ा सा आराम करने के बाद उन्होंने बनाई मस्त गर्मा गर्म चाय, और हम चाय पीने के साथ गप्पे लड़ा रहे थे। बहुत दिनों के बाद मिले हैं तो अच्छे से बैठ के चाय वाय पी कर गप्पे लड़ा रहे थे। और मैं जाती हूँ तो आंटी बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है, और क्या ही बोले। अब इनको तो मेरे साथ बातें ही ख़त्म नहीं होती है, इनकी इतनी बातें चलती है, इतनी बातें चलती है, पूरा दिन भी इनके लिए कम है अगर मैं जाऊँ मिलने तो। और उसके बाद क्या था, हमें जाना था बाहर खाना खाने के लिए। बहुत दिनों के बाद हम लोग साथ में जा रहे हैं, पहले तो बहुत समय था तो जाते थे, अब मेरे पास भी टाइम नहीं होता है तो उसकी वजह से नहीं जा पाते। तो मैं तो हो गई थी रेडी, उसके बाद चले गए लिफ्ट में, और चलो देखते हैं कहाँ जाते हैं हम खाना खाने के लिए। तो उसके बाद फिर हम लोग बैठ गए ऑटो में, और ये ऑटो निकल पड़ी। और जी हाँ ये है दहीसर, दहीसर में हम लोग गए थे होटल में खाना खाने के लिए, और थोड़ी सी मस्ती मज़ा बनता ही है आंटी के साथ। और फिर ये देखिए ऑटो की सवारी। ही था देखते ही देखते हम लोग तो पहुंच गए होटल। जी हाँ ये दहीसर में है, और सेलिब्रेशन होटल है, बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ का खाना आंटी को तो बस उनके चुने गिने चुने होटल्स हैं वहाँ पे ही उनको खाना अच्छा लगता है, वेज खाते हैं। मैं भी तो वेजिटेरियन ही बन गई हूँ, इसके लिए मैं भी वेज खाती हूँ। और फिर क्या था, बस अंकल मेनू सेलेक्ट कर रहे थे, क्या मुझे बोला ऑर्डर क्या करते हैं, मैंने बोला आप ही ऑर्डर कर दो, तो अंकल ऑर्डर कर रहे थे। और आंटी को लगी थी ज़ोरदार भूख, बहुत जोरों की भूख लगी थी, और मेरी बकबक चालू थी आंटी के साथ। आंटी और हम लोग मिलते हैं तो हमारी बकबक चालू ही रहती, चुपचाप बैठते ही नहीं, और इधर उधर देखते ही रहती हूँ मैं क्या चल रहा है क्या नहीं। और ये देखिए आंटी यहाँ पे खाना का वेट कर रही थी, तो पहले सूप ऑर्डर किया था, तो सूप के बाद आ गया हमारा खाना, ये कुलचा। कुलचा आंटी को बहुत पसंद है तो वो कुलचा ऑर्डर करती है, तो मैं भी करती हूँ। और उसके बाद हमने ये चाउमीन चाउमीन जैसा कुछ ऑर्डर किया था, चिली मिली सब्जी बोलते हैं इसे, तो ये देखिए। उसके बाद हमने राइस, राइस के बिना तो मेरा पेट भरता ही नहीं है, तो राइस भी ऑर्डर कर दिया था। और फिर एक जूस ऑर्डर कर दिया था, आंटी को बहुत पसंद है ये, तो खाना खाने के बाद पेट फुल हो गया। उसके बाद आंटी को बोला ऑटो नहीं करते, थोड़ा सा वॉक करते तो खाना भी हजम हो जाता है, तो थोड़ा वॉक शॉक करके हम लोग चले। और आंटी का हाथ तो मेरे हाथों में ही रहता है चलते चलते। उसके बाद आंटी को खाना था आइसक्रीम, तो आंटी को जो आइसक्रीम चाहिए थी वो नहीं मिले, फिर सैड होके घर पे चले आए, क्योंकि आंटी को बस जो चाहिए वही आंटी आइसक्रीम खाती है, वरना वो नहीं खाती है। फिर क्या था, घर पे आ गए। जी हाँ मैं आज यही रुकने वाली हूँ, और मैं आज घर पे नहीं जाने वाली हूँ, इनके साथ रुकने वाली हूँ, ये दोनों ही हैं। तो भाई भाभी गए हैं बाहर घूमने के लिए, इसके लिए तो आंटी की बकबक चालू ही रहती है मेरे साथ, और मेरी तो बकबक चालू ही रहती है। और ये हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, तो मुझे तो नहीं आ रही थी नींद, क्योंकि भाई अपने घर पे सोने की आदत हो गई है ना, तो वो दूसरी जगह पे जल्दी नींद नहीं आती है। पहले तो बहुत आती थी, क्योंकि मैं पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा रुकती थी, और अभी मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं रुकती हूँ, भाई की शादी हो गई है तो अच्छा भी नहीं लगता ज़्यादा रुकना है इसके लिए। फिर क्या था, फिर सो के उठी, और सुबह फटाफट से, दोपहर में संडे था, दूसरे दिन तो हस्बैंड घर पे थी, तो अंकल और मैं चले आए यहाँ पे, और हमको लेना था पानी का मटका, गर्मी के दिन पानी के मटके
कि क्या बात है, पूछो ही मत। तो अंकल और हम लोग आ गए थे मटका लेने के लिए, तो अंकल बोले मैं तुझे मटका देता हूँ लेकर। तो मैंने बोला ठीक है। तो अंकल मेरे लिए देख रहे थे यहाँ पे मटका पानी का, मटका जी हाँ, पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं तो मटका ही बोलती हूँ। तो फिर मटका लेने के बाद पानी का अंकल, मतलब अंकल के हर एक चीज़ कैसे अच्छे से चेक करके ही लेनी होती है। तो अंकल अच्छे से चेक कर रहे थे कि कहीं टूटा फूटा नहीं है, क्योंकि भाई मेरे को इतने लंबा लेकर आना था दहीसर से मेरे घर तक। तो मैंने तो संभाल कर लेकर आई, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था जो मैंने ठीक कर दिया। और अंकल अच्छे से चेक कर के ले रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या करे भाई, तो पानी भरने के बाद ही पता चलता है। तो अंकल इसको बोल रहे थे अच्छे से नल फिट कर देना, क्या ही है जो ये भाई नल फिट कर रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मेरे कान्हा जी के लिए भी कुछ ले लूँ। तो ये देखिए छोटी छोटी मटकी ले ली कान्हा जी के लिए और बैठ गई ट्रेन में। बहुत गर्मी थी, देखिए पसीना कितना आ रहा है ना, पूरी भीग गई। तो उसके बाद क्या था, शांति मिली घर पे आते ही। हस्बैंड ने दिया ठंडा ठंडा पानी पिया, ये देखिए इतना सब उठा कर लेके आई। और ये मेरे कान्हा जी की मटकी, इसे मैं अच्छे से सजाऊंगी, इसका वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। और ये मेरा पानी का मटका, डन डन, गर्मी हो जाएगी गुल। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे, बाय।